गोदाम किस चीज़ का? ये गोदाम है कैनस्टार का, और यहाँ पर जो भी गुड्स आते थे फैक्ट्रियों से तैयार होकर यहाँ आते थे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते थे ऑल इंडिया। तो 16-17 हब है इनके, तो वो यहाँ से ही सारी इन्वेंट्री जाती थी और डीलरों को भी डायरेक्ट माल यहाँ से जाता था। क्या क्या इसमें जो माल? इसमें अपना गीजर हो गया और वाटर, वो अपना कूलर हो गए, प्रेस, आयरन, मिक्सी। कितने लगभग कितने रुपये का सामान अभी इसमें रखा था? इसमें जी अप्रोक्सीमेट तो मेरे क्या 12-13 करोड़ के आसपास का होगा। अभी वो भी इन्वेंट्री चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा जो स्टॉक में था। अच्छा, कब पता लगा कि आपको आग लगी है? ये सुबह मेरे ख्याल 8 बजे के आसपास कॉल आया था गार्ड का, तो उन्होंने बोला कि धुआं निकल रहा है, तो एकदम से जो नियर बाय जो भी थे कंपनी के वो पहुँचे। जैसे शटर खोला तो पूरी आग एकदम से पकड़ गई, यानी हवा अंदर बन नहीं रही थी, वो एकदम शटर खोला और पूरा का पूरा। क्या क्या लेना? कितने घंटे हो गए? आकाश यादव, ये हो गए जी 8 बजे के आसपास की बात है। अभी तक आग पर काबू नहीं? अभी तक कुछ नहीं। कितनी गाड़ियां फायर की पहुंची हैं? अभी तक 6ठी-7वीं हो रही होगी खाली है। क्या नाम आपका? आकाश यादव। आकाश यादव, इंचार्ज लगी है ये जगदीशपुर गाँव के पास लगी है। किसी चीज में? ये इलेक्ट्रॉनिक सामान की बनते हैं इसमें, जैसे हमारी मिक्सी हो गई, प्रेस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहा है इसमें। पता नहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से किस टाइम की आग लगी। हमारे पास 10:15 बजे मैसेज आया था, तो तभी हमारी गाड़ी निकल गई थी। कितनी गाड़ियां मौके पे हैं? मौके पे हमारी 12 गाड़ियां हैं यहाँ पे। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है? आग पर पूरा काबू किया जा रहा है, बहुत ही जल्दी आग पर काबू कर लिया जाएगा। और भी गाड़ियां मंगानी? और भी गाड़ी मंगवाई है। गवाना से भी गाड़ी आ चुकी है, खरखोदा, पानीपत, गन्नौर और राय कुंडली, सोनीपत हेड ऑफिस में और गाड़ी आने लग रही है। बहुत जल्दी आग पर काबू कर लिया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नितेश, फायरमैन, सोनीपत फायर ब्रिगेड।